तुमने किया ना याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। कल्पना तनिष्क की बहन है, यह सुनकर मिहिर हैरान रह जाता है और कुछ देर के बाद सभी लोगों के साथ हॉस्पिटल से कॉलेज के लिए निकल जाता है। उस गुंडे की हथेली पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया है। इमरजेंसी रूम से बाहर आने से पहले उसने डरते हुए दरवाजे से मुंडी बाहर निकालकर देखा कि मिहिर और बाकी लोग अब भी वहां हैं या नहीं, लेकिन वहां मिहिर और बाकी लोगों की जगह सिर्फ एक लंबी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। जैसे ही लड़की की नजर उस पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए उससे बोली, अब भी छोटे सरकार से लड़ने का इरादा है क्या? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। एक बात याद रखना कि आज का मैटर यहीं पर खत्म होता है, और अगर आज के बाद तुम मुझे गलती से भी छोटे मालिक के आसपास दिखाई दिए तो फिर जो भी होगा उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। उस लड़की के कहने का अंदाज बहुत ही घटिया था, जिससे नाराज होकर वो आदमी कुछ कहने ही वाला होता है कि उस लड़की ने अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम्हारे पास एक और चॉइस है, छोटे मालिक का पीछा करो और उनसे रिलेटेड हर न्यूज मुझे ला कर दो। छोटी से छोटी जानकारी भी मिस नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? लड़की के हाथ में डेबिट कार्ड देखकर उस आदमी ने अपना थूक गटका और कहा, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? इस कार्ड में कितने पैसे होंगे? ऑफ कोर्स तुम्हें लग सकता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूं, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं। अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो टाइम टाइम पर तुम्हें और पेमेंट मिलते जाएंगे। रियली? लड़की की बात सुनकर वो आदमी चौंक उठा। वो इतना तो समझ चुका है कि मिहिर कोई साधारण आदमी नहीं है। ठीक है, मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता रहूंगा और अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो तुरंत तुम्हें खबर कर दूंगा। उसने लड़की के हाथ से कार्ड ले लिया। बहुत बढ़िया, समझदार आदमी हो। ये मेरा नंबर है, तुम्हारी न्यूज का इंतजार रहेगा। कहने के साथ ही वो लड़की खुशी खुशी हॉस्पिटल से बाहर चली गई। मिहिर, कार्तिक और श्रेया एक साथ रास्ते में होते हैं। कार्तिक नर्वस होकर श्रेया को देखते हुए बात करने के लिए कोई ढंग का टॉपिक ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रेया उसके किसी भी टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही होती है। अचानक उसने एक गहरी सांस भरी और शांत आवाज में कहा, कार्तिक, मैं जानती हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, बट आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू। इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कार्तिक को ऐसा लगा कि किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। खुद को एम्बेरेस्ड फील करते हुए उसने बात को संभालते हुए कहा, मैं बस आई जस्ट वॉन्ट बी फ्रेंड विद यू। देखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, बट आई रियली डोंट लाइक पीपल हु वेस्ट देयर टाइम। श्रेया की आवाज में कोई भी इमोशन नहीं होता है। तुम्हारे डार्क सर्कल देखते हुए मुझे लगता है कि तुम रात रात भर जागते रहते हो और तुम्हारी उंगली भी लगातार कांपती रहती है। मुझे लगता है कि तुम सारे टाइम माउस को ही कंट्रोल करते रहते हो, और अगर इन दोनों पॉइंट को साथ मिलाएं तो मेरे हिसाब से तुम हर समय कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हो, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। श्रेया की बात बिल्कुल सही है कि कार्तिक देर रात तक जागकर कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। वैसे तो वो बिल्कुल लॉयल बंदा है, लेकिन गेमिंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कार्तिक दहाड़ मार कर रोना चाहता है, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे होते हैं। उसने दर्द भरी निगाहों से मिहिर की ओर देखा कि वो उसके बारे में कुछ अच्छा कहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सही वक्त नहीं होता है। वो लोग कॉलेज कैंपस में पहुंच चुके हैं और ड्राइवर ने गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। जैसे ही तीनों गाड़ी से उतरे, उनकी नजर रोड के किनारे खड़े दो काली परछाइयों पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो दोनों विवान और अचल निकले। विवान लगातार अचल को तसल्ली दे रहा होता है, जबकि अचल के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही होती है।
उसके गाल बुरी तरह लाल हो चुके हैं और वो नशे में कुछ बड़बड़ाए जा रहा है। विवान की नजर मिहिर और कार्तिक पर पड़ी तो उसने राहत की सांस ली। थैंक गॉड कि तुम दोनों आ गए। प्लीज यार, मुझे बचाओ इस पागल से। मिहिर और कार्तिक दोनों तेजी से उन दोनों की ओर बढ़े। मिहिर ने देखा कि अचल ने विवान की शर्ट पर भी उल्टियां की हुई हैं, और ये वही शर्ट है जो मिहिर ने उन लोगों को तोहफे में दी है। यार ये पागल हो गया है, तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन भाई साहब है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, विवान बेबसी से बोला। मैं जा रही हूं। अचल की हालत देखकर श्रेया बोली, ऐसे लोगों को झेलना उसके बस के बाहर है जिन लोगों को यह भी पता नहीं रहता कि कहां पर क्या करना है। कार्तिक चाहता है कि उसको छोड़ने उसकी डॉर्मेट्री तक जाए, लेकिन अभी के हालात देखकर उसके पास यहां ठहरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। एंड हां, बी केयरफुल। हां, मन मार कर उसने श्रेया से कहा। श्रेया ने कुछ नहीं कहा, उसने बस हां में अपना सिर हिलाया और मुड़कर अपनी डॉर्मेट्री की तरफ चली गई। अचानक अचल ने विवान के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। साले जंगली सुअर, तुमसे घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूपाली, क्यों रूपाली, क्यों क्यों छोड़ा तुमने मुझे, क्यों धोखा दिया रूपाली। एक मिनट हटो जरा, मिहिर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा और अचल के पेट पर एक तेज घूंसा जड़ दिया। अचल अपना पेट पकड़कर दर्द से दोहरा हो गया और इसी के साथ एक बार फिर उसकी वोमिटिंग चालू हो गई। अबे क्या कर रहा है तू? मिहिर को अचल पर हमला करते देख विवान और कार्तिक हैरान रह गए। करने दो उसे उल्टी, दिमाग साफ हो जाएगा। मिहिर की आंखें सर्द हो उठी। अगर इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है तो इसका जीना ही बेकार है। मिहिर की बात सुनकर विवान और कार्तिक दोनों चुप हो गए। वो दोनों ही जानते हैं कि इस वक्त अचल का होश में आना जरूरी है। अचानक शराब और मीट की बदबू हवा में फैल गई। ना जाने कितनी देर तक अचल उल्टियां करता रहा, और जैसे ही उसकी उल्टियां बंद हुई अनएक्सपेक्टेडली उसने उठकर तेजी से मिहिर का गला पकड़ लिया। मिहिर ने उसे तेजी से धक्का दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, अचल होश में आओ, तुमने एक ऐसी लड़की के लिए अपनी हालत खराब कर रखी है जिसकी औकात किसी बाजारू लड़की से कम नहीं है। तुम्हें पता है ना ऐसी लड़कियों को क्या कहा जाता है जो पैसे के बदले अपने शरीर का सौदा करती हैं। अपना मुंह बंद रखो, अचल गुस्से में चीखा और फिर अचानक ही उसकी चीख सिसकियों में बदल गई। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं यार, मैं बहुत पहले से जानता था कि ये सब एक दिन जरूर होगा और इससे बचने की मैंने बहुत कोशिश भी की क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था। रूपाली, हिम्मत रख भाई, तू उससे कई गुना अच्छी लड़की डिजर्व करता है, मिहिर ने अचल का कंधा थपथपाते हुए कहा और मुड़कर रूम में जाने लगा। अभी वो कॉलेज गेट पर पहुंचा ही होता है कि वर्षा से टकरा जाता है। उस पर नजर पड़ते ही वर्षा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और धमकी देते हुए बोली, तुम लोग यहां हॉस्टल में कोई तमाशा ना करो तो ही अच्छा है। रूपाली अगर उसे पसंद नहीं करती तो तुम जबरदस्ती करके क्या पालोगे? तुम लोग रूपाली से दूर ही रहना, समझे? वर्षा की बात सुनकर मिहिर की आंखें गुस्से से भर गईं और वो गरजते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए ऑर्डर दे सकते हो क्योंकि उस दिन तुमने मुझे कुछ गलत करते हुए देख लिया था। वर्षा अपना पांव पटकते हुए बोली, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिहिर ने हवा में कहा और वर्षा को इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगा। आज तक वो अलग अलग तरह के कई लोगों को झेल चुका है,
और अब उसमें एक और कार्टून को झेलने की हिम्मत नहीं बची है। वर्षा उसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन जब उसने मिहिर को बॉयज हॉस्टल की ओर जाते हुए देखा तो उसके कदम जहां थे वहीं पर रुक गए। उसे पिछले कुछ दिनों की तुलना में मिहिर में काफी ज्यादा बदलाव नजर आया है। उसने अपना सिर झटक दिया और वापस जाने लगी। जैसे ही वो कॉलेज गेट से बाहर निकली, एक कार उसके सामने आकर रुकी। वो समीर की कार है। वो काफी लंबे समय से जानती है कि समीर उसे पसंद करता है, लेकिन उसके दिल में समीर के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। लेकिन आखिरी बार अगर समीर टाइम पर नहीं आता तो शराबी मिहिर पता नहीं उसके साथ क्या करता। इसके अलावा किसी अनजान आदमी द्वारा उसके डैड का कर्जा चुका दिया गया था, और वर्षा को पूरा यकीन है कि ये समीर का ही काम है। मिहिर ने दूर से वर्षा को मुस्कुराते हुए एक काली ऑडी कार में बैठते हुए देखा। ऑब्वियसली वर्षा नहीं जानती है कि उसका सीक्रेट मददगार और कोई नहीं बल्कि मिहिर ही है। लेकिन अब यह बात इतनी मायने नहीं रखती है। उसके पास करने के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अंधेरा हो चुका है और आसमान से चांद अपनी चांदनी बिछा रहा है। अचानक मिहिर की नजर अंधेरे में खड़े एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके काले सूट को देखकर मिहिर समझ जाता है कि ये उसी के परिवार से जुड़ा हुआ कोई आदमी है। अभी मिहिर उस आदमी को देखते हुए कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो आदमी उसके पास आ पहुंचा। छोटे सरकार, लगता है आप यहां भी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस आदमी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है जो मिहिर को अजीब सा फील देता है। मिहिर काफी अलर्ट हो जाता है, फिर उस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम? अब इस बात का क्या जवाब दूं? कहते हुए उस आदमी ने अपना हाथ उठाकर टाइम देखा और कहा, काफी टाइम हो गया है, आपको वापस जाकर आराम करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैं वापस आ जाऊंगा। मिहिर उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। मिहिर भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह मिहिर को उठते ही एक ख्याल ने घेर लिया, इसलिए उसने तुरंत निखिल को कॉल लगा दी। निखिल ने तुरंत ही कॉल पिक कर ली। छोटे सरकार, इतनी सुबह कैसे याद किया? कल रात एक अजीब सा आदमी मुझसे मिला था और मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मैं उस आदमी को पहचानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शायद वो दुश्मन फैमिली से हो, शायद वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। निखिल की बातों से मिहिर को लगा कि जैसे उन्हें कोई हैरानी नहीं है। इसकी जगह उनकी आवाज में हंसी भरी है। वो सिंघानिया फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बिष्ट फैमिली के बाद सिंघानिया फैमिली ही नंबर दो की पोजीशन पर है और बिष्ट परिवार को अपना दुश्मन समझते हैं। इतने सालों बाद सिंघानिया फैमिली का दोबारा जिक्र सुनकर वो पूरी तरह से चौंक गया है। छोटे सरकार, मैंने आपके लिए जो नई सेक्रेटरी भेजी है वो आपको पसंद आई या नहीं? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो? वो बात नहीं है छोटे सरकार, निखिल ने अपनी बात रखी। मुझे पता चला कि तनिष्क नाम का कोई लड़का आपको कॉलेज में परेशान करता है, और इसलिए मैंने कल्पना को आपके पास भेजा। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कल्पना उसी लड़के तनिष्क की बड़ी बहन है। मिहिर को ऐसा लगता है जैसे निखिल को मिहिर के बारे में पहले से ही काफी जानकारी है, और हाल ही में हुए कोइंसिडेंस सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि उनके पीछे निखिल की चाल है। मिहिर को लगा कि वो अभी निखिल को पूरी तरह से पहचान नहीं पाया है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या निखिल ही मिहिर को मुश्किल में डाल रहा है? कौन है वो अनजान आदमी जो मिहिर से मिला था? क्या रिश्ता है सिंघानिया फैमिली का मिहिर से? जानने के लिए सुनते रहिए रईसी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।